हेलो एंड वेलकम टू स्वाति की DIY रेसिपीज़। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कॉफ़ी का फेसियल जो आपके फेस को बिल्कुल इंस्टा ग्लो देगा। जस्ट हैव अ लुक एट माई स्किन। मैंने अभी जस्ट अपना फेशियल फिनिश किया है और काफ़ी सूदिंग, काफ़ी रिफ्रेशिंग है ये फेसियल, तो आप ही करो और इन्जॉय करो। द की इन्ग्रीडियंट जो है वो है हमारा कॉफ़ी। एंड बिफोर आई स्टार्ट द फेसियल और शेयर द रेसिपी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि कॉफ़ी में भी एक एसिड होता है, दैट इज़ कैफिक एसिड, जो आपके स्किन के जितने भी स्किन के इन्फेक्शंस हैं उनको रिमूव करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, आपके आँखों के अराउंड जो पफनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, एंड पूरे स्किन के जो टैन है उसको रिमूव करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, एक्ने पिम्पल्स रिमूव करता है, बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। तो लाइकवाइज एज अ स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए बोल रही हूँ बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। तो लाइकवाइज मेरा या कोई दाग है या कोई टैन है, पूरी स्किन को रिफ्रेश कर देगा, सूद कर देगा, स्मूथ कर देगा। तो कॉफ़ी फेसियल जो है वो मेरा वन ऑफ द पसंदीदा है। एंड कुछ भी स्पेशल ओकेज़न होना तो आई जस्ट यूज़ दिस कॉफ़ी फेसियल। कहीं घूमने जाना हो, कहीं आउटिंग पे जाना हो, किसी पार्टी पे इंस्टेंटली जाना हो, तो आप ये कॉफ़ी फेसियल ज़रूर ट्राई करो। बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। टोटल फेसियल का वो होगा कॉफ़ी, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन स्पून फुल ऑफ कॉफ़ी, जस्ट गोइंग टू मिक्स इट। कोई सा भी कॉफ़ी आप ले सकते हो, पाउच वाला ले लो या जो भी आपको पसंद हो, कोई सा भी आप ले लो लिटिल बिट। एंड जस्ट टेक अ कॉटन, डिप इट एंड क्लीन योर फेस। अच्छा, वाइल द टाइम आई एम क्लीनिंग माई फेस, 1 से 2 मिनट तक आप इसको क्लीन करो। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो कॉफ़ी फेसियल है इसका ग्लो तो आपको बिल्कुल इंस्टेंट दिखने वाला है। यू आर गोइंग टू सी द चेंज इंस्टेंटली। और जब कोई ख़ास ओकेज़न हो, कोई पार्टी हो, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई गेट टुगेदर है, या कहीं जाना है अर्जेंटली में तुरंत जाना है, यू वॉन्ट अ परफेक्ट ग्लो ऑन योर फेस। जैसे आई यूजली डू नॉट पुट एनी मेकअप ऑन माई स्किन, मुझे आदत नहीं, तो दिस इज़ द बेस्ट फेसियल यू कैन डू फॉर द इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट ग्लो के लिए दिस इज़ द बेस्ट फेसियल। अब आप देख ही रहे हो, मैं आराम से इसको हल्के हल्के हाथों से वाइप कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई एम गोइंग से अपने फेस को पोंछ लो। आपको धोने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। आफ्टर द स्क्रब वी विल वॉश द फेस। Now I am done with the cleansing. Now I am going to wipe it with some baby wipes, या फिर आप कोई गीला टॉवल लेके कर लो। You can see this is oat. दिस इज ओट, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ओट। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट। ठीक है, मिक्स इट प्रॉपरली। ओट जो है ना वो आपकी स्किन को अच्छे से स्क्रब भी करता है और आपको एक अच्छा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। सारे डेड सेल्स रिमूव कर देगा ये आपके ओट। एंड कॉफ़ी तो है ही एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफाई करता है ये भी आपकी स्किन को। हनी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हनी ना मॉइस्चराइज करता है, डीप मॉइस्चराइज हाइड्रेट कर देता है स्किन को। एंड लेमन मैंने इसलिए लिया क्योंकि लेमन कहीं ना कहीं पूरे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। विटामिन सी स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे डर्ट्स रिमूव कर देता है, जर्म्स बैक्टीरियाज किल कर देता है। तो ये जो चारों चीज़ें आपने ली है ना,
ये बहुत ही अच्छे से स्किन को इन्हांस करेगा। यानी स्क्रबिंग इज फॉर जस्ट रिमूविंग द डेड सेल्स। ये चारों चीज़ें ही अच्छी तरीके से आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। नाउ आई विल बी बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस। और ये जो स्क्रब है ना, एटलीस्ट आप 2 मिनट्स तक करो। ऐसे एरियाज पे करो जो आपके ज़्यादा डेलिकेट एरियाज नहीं है, लाइक दिस यहाँ पर करो आप, यहाँ पे इस साइड पे। चिक्स को अवॉइड करो क्योंकि चिक्स मेरी भी काफ़ी सेंसिटिव है। अवॉइड द चिक एरिया। नाउ आई जस्ट क्लीन माई फेस। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द मसाज क्रीम। एंड फॉर द मसाज क्रीम आई हैव टेकन कर्ड। फ्रेश हो, जैसा भी हो, कर्ड हो बस, तो आई हैव टेकन कर्ड। कर्ड में अगेन आई एम गोइंग टू ऐड 1 विटामिन ई, ठीक है। एंड द थर्ड इन्ग्रीडियंट विल बी द एलोवेरा जेल। कोई सा भी ले लो आप, मैं प्रेफर करती हूँ हल्दी चंदन, क्योंकि इसमें हल्दी के भी गुण आ जाते हैं, चंदन के भी। तो आई एम एडिंग जस्ट, देखो, विटामिन ई ऑयल। ऑयल मैं हमेशा बोलती हूँ कि आफ्टर योर 40s यू नीड द ऑयल। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कॉफ़ी। जो भी रेडीमेड चीज़ें हैं, केमिकल्स वाली चीज़ें, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। आई प्रेफर टू यूज़ कर्ड और मिल्क। तो ये जो दही है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और एसिड जो है हर तरीके से आपके स्किन के इन्फेक्शन को रिमूव करता है, ठीक है। ये आपके स्किन टोन को इवन करता है, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये आपके स्किन के लिए समझ लो जादू वाली चीज़ है। दही जो है डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ हर तरीके से आपके स्किन टोन को ये इन्हांस करता है। टोनिंग भी करता है, स्क्रबिंग भी करता है, एक्सफोलिएट भी करता है, सूद भी करता है, सन टैन रिमूव करता है। लाइकवाइज मैं दही के बारे में जितना भी बोलूँ ना, कम है। एलोवेरा के गुण तो आपको पता ही है, सभी को पता है। और विटामिन ई आपको पता ही है स्किन के लिए, तो अब तो टीवी पे भी ऐड आ रही है विटामिन ई की भाई। तो जस्ट मिक्स देम वेल। फॉर द लास्ट फेस पैक अगेन आई एम गोइंग टू टेक कॉफ़ी। एंड एज यू ऑल नो टिल नाउ कि मुझे कोई एसेंशियल ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि 20 मिनट्स का ब्रेक लूँगी मैं अभी, ओनली टू टू थ्री ड्रॉप्स। दिस टाइम आई हैव टेकन ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। वही है, क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल गुड वाइब्स का मैंने लिया है। एंड आपको पता ही है कि अगेन ऑरेंज जो होगा वो आपके स्किन टोन को इंस्टेंट ग्लो देगा। एंड ऑरेंज पील पाउडर, जस्ट हैव अ लुक। आप घर पे भी बना सकते हो या ऑनलाइन ले लो। गुड वाइब्स का हर प्रोडक्ट गुड वाइब्स का बहुत अच्छा है। किसी ने मुझसे कल पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था, लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन से ब्रांड का, तो गुड वाइब्स इज ओके। मैं उसी का मोस्टली यूज़ करती हूँ। इसकी माइंड ग्लोइंग, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है पूरा। जो आप 20 मिनट्स कुछ भी देख लो, कर लो, बातें कर लो किसी से, तो ये 20 मिनट्स का टाइम इज लाइक जस्ट इनहांस योर मूड। फेस पैक लगाओ, कोई म्यूजिक लगा लो, या जिससे भी बात करना चाहो। अब मैं आपको इसको 20 मिनट्स के बाद मिलूंगी आफ्टर वॉशिंग माय फेस।